क्रोसिन या कॉम्बिफ्लाम की कुछ दवाएं एक्सपायरी हैं, तो अब उनकी वापसी करनी है, तो क्रेडिटर पार्टी को ये माल हम रिटर्न लौटाएंगे। एंट्री कौन से बाउचर में पास करेंगे? डेबिट नोट बाउचर में पास करेंगे। कैसे होगी एंट्री, आइए देखते हैं। ठीक है, अब दवाएं एक्सपायरी हैं, तो एक्सपायरी दवाओं को वापस करना है, तो सबसे पहले तो F10 प्रेस कर लीजिए, और डेबिट नोट में अगर आप डायरेक्टली आना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F5 प्रेस कर सकते हैं, आप डायरेक्टली डेबिट नोट बाउचर में आ जाएंगे। अब ये आ गए, अब ये मोदी फार्मा है, इन्हीं को ये रिटर्न करना है। एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर आते हैं और यहां पे मोदी फार्मा को रिटर्न करना है। ये आ गए, अब परचेज अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पर क्या वापिस क्या करना है, एक्सपायरी कौन सा था, कॉम्बिफ्लेम वापिस करना है, तो ये कॉम्बिफ्लेम है और यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 ये एक्सपायर हो चुका है, तो कितने पैकेट थे, 600 पैकेट, तो 600 पैकेट ये पूरा का पूरा वापिस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी हो गया है, तो ये एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आए और बाकी CGST SGST जो लगा था वो सब लगा होगा, दीजिए यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक है, एंटर प्रेस करके और यहाँ पर नरेशन में आप डाल सकते हैं द गुड्स, हो गया, कंट्रोल ए प्रेस कर लो और ये हो गया। ठीक है, अब ये रिटर्न हो गया, तो 600 पैकेट हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, अब हमने 600 पैकेट वापस कर दिया, तो क्या हमारे पास कॉम्बिफ्लेम बचेगा, नहीं बचेगा, कैसे, आइए देखते हैं। इन्वेंटरी की जांच कर लेते हैं, इन्वेंटरी की जांच करने के लिए आपने क्या क्या रिटर्न किया है, तो आप स्टॉक समरी में जाकर के और पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पर, तो यहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी बुक मिल जाता है, इन्वेंटरी बुक पे आएंगे आप और स्टॉक आइटम पे आएंगे तो यहां पर आपको डिटेल दिखाई पड़ जाएगी। यहां पे देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है 600 क्वांटिटी माइनस में जा रही है, इसका मतलब ये है कि इसे रिटर्न कर दिया गया है। ठीक है, और रिटर्न करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि कितना रिटर्न किया गया। ठीक है,